हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखेंगे और टाइम एंड वर्क पे बात करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर एक कंपेटेटिव एग्जाम्स में, तो आइए हम देखते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। पहले हम कंसेप्ट देखेंगे टाइम एंड वर्क में होता क्या है। ठीक है, तो हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं और उससे आपको कंसेप्ट बताते हैं कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आप किस तरीके से बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन कुछ यूं होगा कि सपोज करो ए है, और ये ए जो है 10 डेज में काम करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी मिल जाए तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। इफ एंड ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, फाइंड इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के कंसेप्ट बहुत बेसिक क्वेश्चन है और मैं कंसेप्ट बताऊंगा और यही कंसेप्ट आपको काम करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हर एक क्वेश्चन, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे, आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप कंसेप्ट सीखते हो तो। ठीक है, पहले चलिए हम कंसेप्ट पे बात करते हैं। सबसे पहली बात कि एक टर्म्स होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता क्या है पहले उससे बात समझेंगे कि व्हाट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो होता है ना, एक दिन का काम होता है, वन डेज वर्क। वन डेज वर्क हम बोलते हैं एफिशिएंसी को। अगर हम कोई काम को, सबसे पहला एक दिन के काम पे बात करेंगे कि अगर क्वेश्चन में, एक बात याद रखो, अगर क्वेश्चन में एफिशिएंसी अगर हमने निकाल दिया ना, तो ये बात श्योर रखो कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हम क्वेश्चन के 90% क्वेश्चन पे पहुंच गए अगर हम एफिशिएंसी को सॉल्व कर लिए तो। सबसे इंपॉर्टेंट है हमें एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी याद रखेंगे कि एक दिन का काम होता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ से हम पहले, सबसे पहले एलसीएम निकालना सीखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि एलसीएम कितना इजीली बेसिस सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो मैं देखते हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है। पहले आप सीधा से जो बात जो बोला जा रहा है वो लिख लो। ए बोल रहा है 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। भाई ये क्या है, ये टाइम लगा रहा है या फिर डे है, आपका टाइम लगा रहा है, और उसके बाद हम एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होता है, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम देखो, एलसीएम अब ये मेथड थोड़ा ओल्ड हो गया। अब 10 और 15 का हम ऐसे एलसीएम नहीं निकालते। थोड़ा सा समझिए कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन और मल्टीपल, यानी इन दोनों का, 10 और 15 दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसका मतलब, इसको अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब ये है कि इस दोनों के टेबल में, 10 और 15 के टेबल में, वो एक छोटा सा छोटा से छोटा नंबर होना चाहिए जो इन दोनों में कॉमन हो, इन दोनों के टेबल में कॉमन हो और सबसे छोटा भी हो। ठीक है, तो देखो पहले हम, पहले मैं बात, पहले इसको क्लियर ये करता हूँ। पहले मैं 10 का टेबल लिखता हूँ। सपोज करो 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, यहीं तक लिखते हैं। 15 का टेबल लिखा, 15, 30, 45, 60। अब देखो इतना टाइम होगा नहीं जो हम इतना कुछ लिखेंगे, बट मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एलसीएम, ये 30, 30, यही आपका एलसीएम है। ठीक है, ये कॉमन है और सबसे छोटा है इन दोनों के टेबल में कॉमन। 30, 30 कॉमन, देखो 60 भी है, बट हम 60 पे नहीं जाएंगे। क्यों 60 पे इसलिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको लोएस्ट लेना है। तो अब भाई ये बात तो ये रही कि अब इतना टाइम थोड़ी ना कि हम दोनों का टेबल लिखते रहेंगे। तो आपके लिए ट्रिक्स ये रहा कि आप क्या करोगे, इस दोनों नंबर में देखो 10 और 15, अब क्वेश्चन पे आते हैं। 10 और 15 में जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, 10 और 15 में जो सबसे बड़ा नंबर है कौन सा है, 15। आप उसका टेबल पढ़िए और ऐसा नंबर ढूंढ के लाइए, जिस ऐसा चीज ढूंढ के लाइए इसके टेबल से जिसको ये दोनों काट दे। तो 15 का अगर मैं टेबल पढ़ूं तो 15 वन जा 15। ठीक है, क्या 10 से काट रहा है क्या 15 कंप्लीटली, 10 को 10 काट रहा है क्या 15 को कंप्लीटली, नहीं काट रहा है। 15 टू जा 30, 30 देखो काट रहा है, यही आपका एलसीएम होगा। आप इस मेथड पे नहीं जाएंगे, आप सीधा जो सबसे बड़ा नंबर है, सपोज करो 10, 15 और 20 रहता, तो इसका टेबल में हम 20 का टेबल पढ़ते और 20 का टेबल अगर मैं पढ़ा 21 जा 20, 10 तो काट रहा है लेकिन 15 नहीं काट रहा है, तो 20 नहीं होगा, 40, 40 भी नहीं होगा, और 23 जा 60, 60 को ये तीनों काट रहा है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम ये होता है। अब हम जब 30 लिखे ना, तो आप देखो, आप एक चीज याद रखो, ये जो 30 है आपका, ठीक है, ये 30 टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क बोलते हैं इसको। या फिर मैं एक और बात बताऊं कि 30 को आप सीधा समझो कि रोटी है। क्या है, ये रोटी है, आपको सीधा समझना है भाई ये रोटी है, 30 रोटी। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। आप बोलोगे कि एक बंदा जो है, ए जो है, 10 दिन काम करता है ना, 10 दिन काम करता है वो, तो 30 रोटी खाता है। ठीक है भाई, तो भाई मैं एफिशिएंसी पे बात करूंगा। तो एफिशिएंसी एक दिन का काम होता है, अगर वो बंदा 10 दिन में 30 रोटी खाता है तो एक दिन में कितना रोटी खाएगा? वो 3 रोटी खाएगा। ठीक है, और ये 15 दिन में 30 रोटी खाता है, बी जो है 15 दिन खाता है तो 30 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितना रोटी खाएगा? सीधी सी बात है कि 2 रोटी खाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों मिलके काम कर रहा है या मिलके रोटी खा रहा है। ठीक है, अब ये दोनों मिलके रोटी खाया तो एक दिन में कितना रोटी खा लिया? 5 रोटी खा लिया। दोनों मिल गया तो मिलके रोटी खाया तो एक दिन में 5 रोटी कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब एक दिन में 5 रोटी कंप्लीट खा लिया वो, तो भाई 30 रोटी कितने दिन में खाएगा? तो 30 रोटी 30/5 यानी 6 दिन में खाएगा कि नहीं खाएगा? और यही या तो आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन देखो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एफिशिएंसी पे पूछे जाते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको मैं एफिशिएंसी पे बात करता हूँ, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, इसी के सारे मेथड बता दूंगा कि इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इस वाले से क्वेश्चन से ये आ सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन से ये आ सकते हैं, हम एक ही क्वेश्चन को पकड़ेंगे और सारे कंसेप्ट समझ लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो टाइम एंड वर्क में कहीं नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं एक काम करता हूँ कि अगर सपोज करो यहाँ ये क्वेश्चन ऐसा लिखा रहा है, भाई देख क्वेश्चन क्या लिखा रहा कि देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। सपोज करो इसमें लिखा रहेगा एज 150% एफिशिएंट। देखो अब एफिशिएंसी की बात आ गई भाई, एफिशिएंट देन बी। ठीक है, क्वेश्चन ये लिखा रहा कि एज 150% एफिशिएंट देन बी। ठीक है, एंड इफ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए वर्क। ठीक है, क्वेश्चन ये लिख दिया कि एज कंप्लीट ए वर्क इन 6 डेज। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, 6 डेज। फाइंड ए अलोन, मतलब ए वॉट लिख दे रहा हूं और बी वॉट लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा और बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तो यही है ना। ठीक है, और कंसेप्ट वही है, रोटी रोटी खिलाना सीख गए, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, देखो मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मैं यहां आपको ए लिख दे रहा हूं और बी लिख दे रहा हूं, भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज 150% एफिशिएंट देन बी। ठीक है, तो भाई मैं 150% है ना, मैं सीधी सीधी बात जानता हूं कि एज 150% एफिशिएंट देन बी, अगर बी के पास 100 रुपए है तो ए के पास कितने रुपए हैं? 150 रुपए। ठीक है, और ये एफिशिएंसी का रेशियो ही हो गया। ठीक है भाई, मैं इसको काट देता हूँ, 50 से अगर मैं काटूं तो 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। ठीक है, यानी इसका एफिशिएंसी कितना हो गया? 3:2 में हो गया। ये ए और बी का एफिशिएंसी हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, मेरा बात क्लियर है यहाँ पे? क्लियर क्या है कि इसका 3 एफिशिएंसी हो गया और इस बंदे का 2 एफिशिएंसी हो गया। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो कह रहा है कि इफ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 6 डेज, मतलब ये दोनों मिलके 6 दिन में रोटी खत्म कर देते हैं, तो ए कितना दिन में करेगा और बी कितना दिन में करेगा, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन। तो आप देखो सीधी सी बात है भाई, ये दोनों मिल गया तो कितना रोटी खाया एक दिन में? तो आपने बोला कि एक दिन में ये 5 रोटी खत्म कर दिया, तो भाई कितने दिन चला है काम? 6 दिन चला है, तो यानी टोटल काम कितना दिन? टोटल काम या फिर टोटल रोटी 30 होगा कि नहीं? 6 गुना 5 30 रोटी हो गया। ठीक है, अब भाई जब 30 टोटल रोटी हो गया, टोटल रोटी आपको 30 हो गया, तो अब सीधी सी बात है, पूछ रहा है ए कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करा और बी कितने दिन में करा, यही तो क्वेश्चन है। अब देखो आप बोल रहे हो कि 30 रोटी टोटल, और ए भाई साहब जो है ना, ए एक दिन में 3 रोटी खाता है। ठीक है, ए एक दिन में 3 रोटी खाता है और टोटल 30 रोटी है, तो भाई ए कितने दिन में काम खत्म करेगा? 10 दिन में करेगा कि नहीं? 30/3। बी कह रहा है कि बी 2 रोटी खाता है एक दिन में, तो 30 रोटी कितने दिन में खाएगा? 15 दिन में खाएगा कि नहीं खाएगा, यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ भी हो, कंसेप्ट एक होना चाहिए, बस कंसेप्ट एक समझ में आया, क्वेश्चन कोई भी हो आप सॉल्व कर सकते हो। मैं इसी क्वेश्चन को, इसी यही क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी बना सकता हूँ। देखो दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं इससे, आप कंसेप्ट बस एक रखो, रोटी रोटी क्लियर है, सब चीज क्लियर है। ठीक है, इसके बाद देखो इसी क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, यही चीज सेम रहेगा और इसी चीज में दूसरा चीज करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें यही क्वेश्चन वही है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, सब चीज वही है कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को इसी मेथड से इसी क्वेश्चन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बस रोटी याद रखोगे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टूगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट, कुछ दिन के बाद भाई ए छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं, सो दैट द होल वर्क कंप्लीटेड इन 12 डेज, जिसके कारण से पूरा काम 12 दिन तक चला, पूरा काम का बात कर रहा है, बचा हुआ नहीं बोल रहा, पूरा काम। फाइंड व्हेन ए लेफ्ट, मतलब ए कब छोड़ के गया। ठीक है, देखो बात करते हैं वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ए 10 है, 15 है, मैंने 30 रोटी निकाल ली एलसीएम से 15 का टेबल पढ़ के। ठीक है, एफिशिएंसी 3:2, जो बात मैंने पहले बता रखी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों साथ में मिलके काम करना शुरू किए, बट क्या हो गया कि ए बीच में चला गया और बी जो था और जिसके कारण 12 दिन काम चला, तो बताइए कि ए कब गया। भाई सीधी सी बात है, दो बंदा मिलके काम कर रहा है, एक गया, भाई जाने वाले को जाने दो, जो गया उसको जाने वाले को रोक थोड़ी ना सकते हैं, जो जा रहा है जाने देते हैं। ठीक है, तो एक बात सोचो, अगर ए चला गया तो ये 12 के 12 दिन बी रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ए गया तो जाने देते हैं, बी 12 के 12 दिन रहा होगा, यानी 12 के 12 दिन काम जो है ना बी अकेला किया होगा, मतलब वो अपना काम तो करेगा ना, वो अपना रोटी तो खाएगा ही, ए का छोड़ देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बी अपना 12 दिन रोटी खाएगा और जो बचा हुआ रोटी होगा वो एक खा के गया होगा, तो सीधी सी बात है। आप देखो आपने लिखा ए बी 10 15 3:2, आप बोल रहे हो कि सर 12 दिन जो है ना ए रहा रहे रहा होगा। ठीक है, तो जब ये 12 दिन रहा होगा और एक दिन में ये 2 रोटी खाता है, तो 12 दिन में कितना रोटी खाएगा, 12 गुना 2 24 रोटी खाएगा कि नहीं खाएगा। जब आपके बी 24 रोटी खा लिए तो भाई बचा कितना रोटी, बचा 30 माइनस 24, 6 रोटी बचा कि नहीं, और ये कौन खाया होगा, कौन खाया होगा, ऑब्वियस सी बात है ए ही खा के गया होगा। तो जब ये ए खा के गया होगा और आपको पता है ए एक दिन में 3 रोटी खाता है, तो 6 रोटी कितने दिन में खाया होगा, 2 दिन में, यही तो आंसर है। ठीक है, और इसी टाइप के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टार्ट वर्क टूगेदर, ठीक है, बट इन अल्टरनेट वे, अब एक दिन आ रहा है ये, एक दिन वो आ रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, अब वो बात कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए मतलब ए से स्टार्ट करता है। ठीक है, फाइंड व्हेन वर्क कंप्लीटेड, फिर से वही बात, देखिए आप ए है और बी है, 10 15 लिखा मैंने, 30 रोटी लिख दिया, ठीक है सीधा, और 3 है और 2 है। ठीक है, ये एफिशिएंसी होगा कि नहीं होगा, होगा। जैसे अब देखो यहाँ पे बोल रहा है अल्टरनेट में, मतलब इसका मतलब ये है, अल्टरनेट में अगर मैं थोड़ा एक्सपेंड करूँ तो ये पहला दिन ए आया होगा तो 3 काम किया होगा, और फिर बी आया होगा तो 2 काम किया होगा, फिर 3 काम और फिर 2 काम। ठीक है, ए और बी ऐसे चल रहा होगा, तो आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, 5 काम अब कितने दिन में हो रहे हैं भाई, 2 दिन में हो रहे हैं, अब 5 काम, पहले 5 काम एक दिन में हो रहा था, अब 5 काम कितने दिन में हो रहे हैं, 2 दिन में हो रहे हैं, तो भाई 30 काम कितने दिन में होंगे, ऑब्वियस सी बात है 12 दिन में होंगे, 5 काम 2 दिन में तो 30 काम 12 दिन में, यही तो आंसर है आपके 12 डेज। ठीक है, पांच, सीधी सी बात है, 5 काम 2 दिन में, ठीक है, तो 30 काम आपके 12 दिन में होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो यही आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी खत्म। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, देखो तीसरे में दो दो पार्ट दे रखा है। ठीक है, उसमें देखते हैं, कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट, इस बार भाई ए जो है ना 4 दिन बाद चला गया। ठीक है, ए जो है 4 दिन बाद चला गया, इसमें इस बार दे रखा है कि ए जो है 4 दिन बाद चला गया है। ठीक है, फाइंड रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, देखिए एक बात देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, ए बी तो आपने लिखा और आपको पता है कि ए और बी का 3 और 2 एफिशिएंसी है, मतलब एक दिन में 3 रोटी और एक दिन में 2 रोटी खाता है ए और बी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि फाइंड रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म हुआ होगा। तो अब देखो एक बात, अगर मैं इस दोनों को रिलेट करवाऊं, जो यूज है, जो है दिया हुआ उसका यूज करते हैं ना, देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या था क्वेश्चन कि पहले देखो कि ए और बी दोनों 4 दिन तक थे। ठीक है, तो भाई इन दोनों का 4 दिन का काम निकाल देते हैं ना, ए और बी दोनों साथ में काम कर रहा है और एक दिन में कितना दोनों साथ में मिलके खा रहा है, 5 रोटी खा रहा है, तो 4 दिन में कितना रोटी खाएगा, ये 20 रोटी खाएगा कि नहीं खाएगा। ठीक है, 4 दिन में 20 रोटी खाएगा ये, क्योंकि एक दिन में 5 खाता है, तो 4 दिन में 20 रोटी, 20 रोटी खत्म, अब ए चला गया तो बचा काम कितना, बचा हुआ काम कितना है, 10 काम है कि नहीं है, 10 काम या 10 रोटी बचा कि नहीं, और बी जो है, अब ए तो चला गया तो बी ही रहेगा, और बी जो है एक दिन में 2 रोटी खाता है, ठीक है, तो
तो 10 रोटी कितना दिन में खाया होगा, 5 दिन में खाएगा कि नहीं खाएगा, और यही तो आंसर है आपका। रिमेनिंग डेज पूछा जा रहा है ना आपसे, बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ होगा, तो आप सीधा बोलोगे कि 5 दिन में बचा हुआ काम कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि जब साथ थे तो दोनों का काम निकाल दिया मैंने, बचा हुआ काम कितने दिन में होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे कि टोटल वर्क कितना दिन में होगा। ठीक है, तो देख लो, 5 दिन इधर चला और 4 दिन इधर चला, 9 दिन होगा कि नहीं होगा, या फिर सीधा दूसरा क्वेश्चन दिया रहता तो आप सीधा ऐसे सोचते, दूसरे क्वेश्चन में आप सीधा ये सोचते कि एफिशिएंसी 3 है और 2 है, 3 है और 2 एफिशिएंसी है, 4 दिन ए काम कर रहा है, तो भाई ए का काम निकाल दो, बी जितना दिन रहा होगा वो पूरा का पूरा काम किया होगा कि नहीं, पूरा दिन रहा होगा कि नहीं होगा, जैसे सपोज करो ये काम यहां से यहां तक चला होगा, ठीक है, और ए जो है इस बीच में निकल के गया, ठीक है, ए इस बीच में निकल के गया, ठीक है, लेकिन बी यहां से यहां तक रहा होगा कि नहीं रहा होगा, रहा होगा ना, तो बी टोटल के टोटल दिन काम किया होगा, ये बात याद रखो, और बी टोटल के टोटल दिन काम किया होगा, तो जब ये 4 दिन में गया तो आप देखिए 4 दिन में गया तो 4 गुना 3 कितना रोटी खा के गया, 12 रोटी खा के गया, तो भाई बचा कितना रोटी, 12 रोटी खत्म ए के द्वारा, तो बचा कितना रोटी, 30 माइनस 12 18 रोटी बचा कि नहीं बचा, जब आपका 18 रोटी बचा और बी जो है एक दिन में आपको पता है 2 रोटी खाता है, तो 18 रोटी भाई कितने दिन में खाया होगा बताओ, 18 रोटी सीधा 9 दिन में, तो आप इस हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको बस देखना ये है ना कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपको थोड़ा खुद तेज होना पड़ेगा कि अगर रिमेनिंग वर्क बोले तो दोनों को जोड़ के काम करवाएंगे, और अगर बोल रहे हैं टोटल वर्क बोले, टोटल वर्क बोले तो सीधी सी बात है जो बंदा जा रहा है उसको जाने दो, ठीक है, और जो बच्चा बंदा है वो शुरू से लास्ट तक काम करेगा, क्योंकि वो हिल ही नहीं रहा है, वो जा ही नहीं रहा है, वो लास्ट के लास्ट दिन तक रह रहा है, शुरू से लास्ट तक रह रहा है, तो लास्ट तक रह रहा है तो उसका मतलब ये हो गया, जब लास्ट तक रह रहा है तो उसका मतलब यही हुआ ना कि वो शुरू में स्टार्ट किया होगा और लास्ट तक जब तक खत्म नहीं होगा तब तक रहा होगा, तो इस क्वेश्चन में जब वो 4 दिन स्टार्ट में था और 4 दिन जब स्टार्ट में था तो वो अपना 12 रोटी खा के चला गया होगा, तो बचा कितना रोटी होगा, बचा 18 रोटी होगा, और 18 रोटी जब बचा होगा तो वो एक दिन में 2 खाता है बी, तो 18 रोटी 9 दिन में खाएगा कि नहीं खाएगा, तो यही तो आंसर है। अब देखो ये थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है, दो कंसेप्ट होंगे इसमें, दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आप दूसरा वाला मेथड प्रीफर करना, क्यों मैं उसका रीजन भी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, देखिए यहाँ पे, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, लिख लिया, एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर, एक दिन पहले का बात कर रहा है, ठीक है, द कंप्लीशन ऑफ वर्क मतलब काम खत्म होने से एक दिन पहले, ठीक है, फाइंड टोटल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, ठीक है, अब देखो एक बात याद रखो, ये एक दिन बिफोर जो बोला जा रहा है ना, इसका मतलब है कि चला गया ये बंदा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 60/7 डेज, जैसे अगर मैं बोलता टोटल काम खत्म होता 60/7 डेज में, नहीं वो नहीं कह रहा, कह रहा काम जो खत्म हुआ है ना, टोटल काम इसके जाने के बावजूद जो काम खत्म हुआ है उससे एक दिन पहले गया है, ठीक है, तो ये बात समझ के रखना, ठीक है, गलती नहीं करना। अब देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहला पहला ये है कि देखो अगर मैं इस चीज को समझने का कोशिश करूं, मैं बोलूं कि बोल रहा है कि एक दिन पहले जो है आपको बी चला गया, तो ये तो बात हमको समझ में आ गया कि ए जो होगा हमारा लास्ट का एक दिन रहा होगा कि नहीं रहा होगा, रहा होगा ना, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले मैं ए प्लस बी कर लूं, इसका देखते हैं कितने दिन का काम, और एक चीज और फिक्स है कि ए रहा होगा हमारा एक दिन, अकेला काम किया होगा बंदा, और ये बंदा यहां से देखो मैंने एफिशिएंसी सब निकाल दिया, ये बंदा एक दिन में कितना काम करता है, बी चला गया है ना, तो ए तो रहा होगा एक दिन, तो ये बंदा एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, यानी एक दिन में 4 करता है, टोटल कितना काम हो गया, 4 काम, या फिर 4 रोटी बोल देते हैं कि ये एक दिन में 4 रोटी खाया होगा, ठीक है, तो बचा कितना रोटी, 56 रोटी बचा कि नहीं बचा, 56 रोटी बचा, अब भाई ये देखो ये 56 रोटी जो बचा ये दोनों मिलके ही तो खाएंगे, और ये दोनों एक दिन में मिलके 7 रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, खाते हैं, तो 56 रोटी कितने दिन में खाएंगे, 56/7 यानी 8 दिन में खाएंगे कि नहीं खाएंगे, 8 दिन में खाएंगे ना, 8 दिन में ये दोनों मिलके क्या, और एक दिन ए अकेला गया, तो टोटल काम कितना हो गया, 9 डेज में चला कि नहीं चला, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि भाई यहाँ पे एक बंदा और दो बंदे की बात कर रहा है, ठीक है, अगर 3 बंदे आ जाएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं चलता, क्वेश्चन में यही बोल देता है कि ए जो है ना आफ्टर 4 डेज गया
और बी जो ए है, सपोज करो कि इस क्वेश्चन को फंसाएगा कैसे, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। सपोज करो कि एक काम 5 दिन चला, ठीक है, और एक 5 दिन टोटल खत्म हुआ, ठीक है, मान लो 5 6 दिन मान लो, ठीक है, 6 दिन चला। अब क्या बोल देगा क्वेश्चन कि ए जो है ना शुरू के 4 दिन, मतलब 4 दिन काम किया, ए बी सी तीन बंदा होता, ए जो है शुरू के 4 दिन काम करके चला गया, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, और फिर बी जो है, बी बोल देगा कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले चला गया, तो भाई ये तो इधर आ जाएगा ना। और इस मेथड का यूज करवाएंगे कि मैं बोलता कि अच्छा चलो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है 4 दिन काम किया, तो भाई ये गलत होता कि नहीं होता, गलत हो जाता ना। तो इसीलिए कुछ कोशिश करना कि तीन, एक दो बंदे हैं तो चलो ये चीज ठीक है, ये चीज इससे कर सकते हैं, लेकिन तीन बंदा आएगा तो क्या करें। तो दो हो तीन हो कितने भी हो, आप एक कंसेप्ट लगाना जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है, और उस पर फोकस करने की कोशिश करना, ठीक है। देखो ये कंसेप्ट क्या कह रहा है कि देखो मैं क्या कहता हूं कि भाई देखो ध्यान से सुनो, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के एक पार्ट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। देखो मैं कह रहा हूं कि सपोज करो कि दो बंदा ए और बी दोनों के दोनों रोटी खा रहे हैं, ठीक है, रोटी खा रहे हैं, ये भी रोटी खा रहे हैं, ठीक है। अब कर क्या रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं ना कि ये बंदा पहले जा रहा है, आपके क्वेश्चन में भी एक दिन पहले जा रहा है ना, आपका ये दोस्त है, ठीक है, ये जा रहा है। आप सीधा देखो क्वेश्चन को गलत ना कराना है मुझे, क्वेश्चन को गलत नहीं कराना है, फिर भी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाते हैं, मोल्ड करते हैं, बट क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बी जा रहा है एक दिन पहले, तो मैं क्या बोलता हूं ना, ए बोला इसको कि भाई तू एक काम कर, तू रुक जा मत जा, ठीक है, इसको रुकवाता है, जबरदस्ती इसको रुकवा लेता है। तो ये अगर बंदा रुक जाता है तो आप एक बात बताओ, ये अगर बंदा रुकेगा तो आप इसी क्वेश्चन में से, अगर रुकेगा तो इस क्वेश्चन से तो रोटी नहीं दे सकते हो ना इसको। इसको क्या करना है कि इस केस में इसको अलग से मार्केट से रोटी देगा, ये मार्केट से रोटी लाया फिर इसको दिया, ठीक है, मार्केट से रोटी लाया और इसको दिया। अब ये बंदा क्या करता है, एक दिन में कितना रोटी खाता है, तीन खाता है कि नहीं खाता, तो भाई इसको क्या किया कि तीन रोटी मार्केट से लाके दिया, ठीक है, तब जाके, और फिर क्या हुआ कि ये दोनों मिलके खा लिया। अब जो रोटी होगा, 7 रोटी जो होंगे वो दोनों मिलके खाएगा, ठीक है, तो फिर जाके क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ और हमारा काम भी बन जाएगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, एक बार फिर से समझो कि ए है और बी है ना, बी ए और बी को क्या किया कि ये बंदा एक दिन पहले जा रहा है, तो इसको बोला कि भाई तू एक काम कर, तू रुक जा मत जा, तो ये मान गया, बोला ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर ये नहीं जाएगा तो ये रोटी तो खाएगा ना, ये बैठा तो नहीं रहेगा, ये रोटी खाएगा, तो इसको इस क्वेश्चन में से रोटी नहीं देना है, इसको मार्केट से उठा के रोटी दिए, जो रोटी ये खाता है एक दिन का खाना इसको दे दिए, तो ये अपना पोर्शन तो खा लेगा, ये इसको अगर तीन रोटी है खाता है तो इसको अपना पोर्शन का रोटी दे दो, तो ये बंदा क्या करेगा, ये अपना पोर्शन खा लेगा, और ये दोनों मिलके अब पूरा रोटी खाएगा ना, जो तीन आया तो अब दोनों मिलके करो, तो ये अपना रोटी खा लेगा, ये अपना पार्ट खा लेगा, और इसका भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखो मैं लिखा ए बी, ठीक है, शुरू से कर दे रहा हूं, 15 है 20 है, आपने 60 रोटी निकाला और फिर 4 लिखा और 3 लिखा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये बी एक दिन पहले जा रहा है, तो मैंने बोला नहीं रुक जा मैं तुमको मार्केट से रोटी ला के दूंगा, तो भाई 60 रोटी है, 3 रोटी मार्केट से दोगे तो 63 रोटी होगा। और ये दोनों मिलके काम कर रहा है ना अभी, और ये दोनों मिलके काम किया तो एक दिन में कितना रोटी खाया, 7 रोटी खाया कि नहीं खाया, खाया तो 7 रोटी खाया, और ये जो तीन अब एक दिन रुकवा रहे हो ना, तो भाई तो 3 रोटी भी तो बढ़ रहे हैं, ये अपना पोर्शन ही तो खा रहा है, ठीक है, तो अब ये दोनों मिलके 63 रोटी को साथ, एक दिन में 7 खाते हैं, तो 63 रोटी कितने दिन में खाएंगे, 9 दिन में खाएंगे कि नहीं खाएंगे। देखो आप इस तरीके से सोचते तो भी 9 दिन आ रहा है, इस तरीके से सोचते तो भी 9 दिन आ रहा है। बार बार बोल रहा हूं कि अगर सपोज करो 2 दिन पहले चले जाता तो भाई 2 दिन का रोटी दे देते ना इसको, जो जाएगा। देखो आफ्टर के केस में और बिफोर के केस में आपको एक बात बताओ, आफ्टर जा रहा है 4 दिन बाद जा रहा है तो जाने दो ना, इसका काम निकाल दो, 4 दिन बाद जा रहा है तो सपोज करो 4 तिया 12, 12 काम निकाल दो, जो बचा हुआ काम है शुरू से लेके एक करेगा लास्ट तक, ठीक है। और बिफोर के केस में ये जा रहा है ना, इसको रोको कि नहीं तुम मत जा, रुक रुक जा, और उसको अलग से मार्केट से रोटी लाके दे दो, ठीक है, और फिर मिल के बांट के खा लो, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आंसर कितना हो गया, 9 डेज हुआ कि नहीं हुआ, यही तो आपका आंसर है।
अभी देखो इस क्वेश्चन को, अभी एक और क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, उसमें देखना कि अगर मैं इस मेथड का यूज करूंगा ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और मैं इस क्वेश्चन का यूज करूंगा ना तो यूं चुटकी में बन जाएगा क्वेश्चन। तो आप इसलिए इतना जो बेस्ट हो आप उस चीज पे जाओ, इस मेथड से करोगे तो भाई कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ये बात को आप याद रखना। ठीक है, अभी हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अब देखोगे डिफरेंस। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, और मैं सब चीज लिख रखा हूं यहाँ पे, आप देखो एक बार अच्छे से, और मैं बताता हूं कि कैसे वो जो अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया था बताया था कि ये वाला मेथड कैसे रॉन्ग प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक बार, कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज। पहले तो ये देखो, ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज, ये दे रखा है 10, 12 और 15 दिन में। मैंने ये सबसे पहला काम हमारा यही होगा, 10, 12, 15 लिख के 60 रोटी और 6, 5, 4। ठीक है, इसका आपका क्या निकल जाएगा, 60 रोटी 15 का टेबल पढ़ के। ठीक है, उसके बाद देखो 6 आया 5 आया 4, एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी स्टार्ट वर्क अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट। 3 दिन पहले 3 दिन बाद, आफ्टर बोल रहा है, 3 दिन बाद ए चला गया। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, देखिए देख लो, 3 दिन बाद ठीक है ए चला गया, एंड सी लेफ्ट द वर्क 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। सी जो है ठीक है 4 दिन पहले चला गया। ठीक है, कंसेप्ट लगाएंगे सिर्फ, कंप्लीशन ऑफ वर्क, इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, बोल रहा है कि कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखो भाई मैंने जब ये सारे चीज लिख दिए, उसके बाद देखो मैं क्या कह रहा हूं कि सपोज करो ये 3 दिन बाद चला गया और ये 4 दिन पहले चला गया, तो मैं ऐसे कर सकता था कि ए बी और सी का 3 दिन का काम निकालता। ठीक है, और सी अगर 4 दिन पहले गया, ठीक है सी 4 दिन पहले चला गया, तो अब ए और बी दोनों चला गया, ए और सी दोनों चला गया, तो बचा कौन, बी, जो कि मैंने यहां पे लिखा है आपको। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा कि ए प्लस बी प्लस सी का 3 दिन का काम निकाल दिया, ठीक है 3 डे, और बी प्लस सी अभी रहने देते हैं। ठीक है, बी का मतलब जब देखो ए भी चला गया और सी भी चला गया, तो बचा हुआ लास्ट का 4 दिन जो काम है बी करेगा, तो बी का मैंने काम लिख दिया, यही हो गया स्टैंडर्ड चीज। अब देखो अब इस चीज से हम सोचते हैं, और बी प्लस सी भी तो कुछ काम करेगा ना, अगर सपोज करो ए चला गया तो बी प्लस सी भी चलेगा, तो 3 दिन इसका काम किया, और देखो इनका 1 दिन का काम 15 है, तो 3 दिन ये काम कर लिया यानी 45 काम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया 15 या 45, और 4 दिन बी काम किया लास्ट के 4 दिन जब सी 4 दिन पहले चला गया था, तो 4 दिन ये काम किया तो 5 चौके 20। अब देखो 5 × 4, 5 दिन का काम यहां पे किया तो क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है, 20 रोटी ये भी कर खा लिया, तो भाई अब इन दोनों को जोड़ो 45 और 20, 65 रोटी हो रहे हैं, लेकिन हमारा रोटी कितना है 60 है, काम 60 है हो रहे हैं 65, तो ये मेथड गलत हुआ कि नहीं हुआ, जस्टिफाई नहीं कर रहा है ना कि कौन पहले गया कौन बाद में गया। क्वेश्चन यू हुआ होगा कि इतने दिन में काम खत्म हो रहा है और ये ऐसे 3 दिन में जा रहा है, 3 दिन बाद चला जा रहा है, और ये क्या हो रहा है कि इसी बीच में चला जा रहा है, यहां से यहां के बीच में, तो ये एक साथ में कैसे काम कर लेगा, समझ रहे हो ना, तो ये चीज इस चीज से गलत करवा देगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व करूं, मैं बोला कि जो पहले चला गया, जो 3 दिन बाद चला गया ए चला गया, तो उसको जाने देते हैं, मैंने बताया कि जाने वाले को नहीं रोक सकते हम। ठीक है, तो ए 3 दिन बाद चला गया, टोटल काम 60 है, 60 है और 3 दिन बाद चला गया ये, तो 1 दिन में वो 6 काम करता है, तो 3 दिन में 6 × 3 18 काम करेगा कि नहीं, तो 60 में से 18 घटा लो, जो जा रहा है उसका काम निकाल के फेंक दो, हटा दो उसको, 42 काम बचा कि नहीं, 42 रोटी बचा, 42 रोटी बच गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सी लेफ्ट द वर्क 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। भाई सी आ गया, और सी को मैंने आपको एक बात बताया है कि सी को ना जो मतलब पहले जाए, काम खत्म होने से पहले जाए उसको हम रोकेंगे, जो पिछले कंसेप्ट में भी बताया मैंने आपको, उसको रोको, उसको जबरदस्ती रोको, उसको रोटी दो, कहां से, मार्केट से लाके। इसमें सी 1 दिन में 4 रोटी खाता है, ठीक है 4 दिन आप रोक रहे हो, तो 4 × 4 तो कितना रोटी खा रहा है, 16 रोटी बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ठीक है, 16 रोटी आप मार्केट से ला के दे रहे हो कि नहीं इसे, तो 16 रोटी दे दो ना इसको, तो 42 और 16 कितना रोटी हो जाएगा, 58 रोटी होगा कि नहीं होगा।
अब ये जो 58 रोटी होगा, ये दोनों मिलके खाएगा कि नहीं? कौन? बी और सी मिलके। ए तो चला गया, ए का काम खत्म, ए 3 दिन बाद चला गया था वो, तो ए का काम खत्म। और बी और सी, अब ये जो 58 रोटी है भाई, 58 रोटी ये दोनों मिलके खाएंगे कि नहीं खाएंगे? और 58 रोटी के लिए आप बी और सी को देखो, बी और सी जो है एक दिन में 9 रोटी खाता है, ठीक है? तो 58 रोटी 58/9 दिन में खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा ना। और इसका अगर मैं ऐसे निकालूं तो 9 6 4 से 9 डेज होगा कि नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे फिर से समझो कि इसको 4 दिन पहले जा रहा था, तो हम 4 दिन का रोटी देंगे इसको कि 4 दिन अलग से रोटी देंगे, बोलेंगे खा तू साथ में रह। और जब वो साथ में रह रहा है ना, तो वो अपने हिस्से का रोटी खा रहा है जो उसको आप मार्केट से लाके दिए हो। तो इस चीज से सॉल्व करोगे ना, तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है? और इस चीज से सॉल्व करोगे ना, तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना कि कौन चीज पहले आ रहा है कौन चीज बाद में जा रहा है, ठीक है? तो इसलिए आप कोशिश करो कि इस कंसेप्ट को पकड़ के रखो। जो भाई, जो बंदा बाद में जा रहा है, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 3 दिन बाद, उसका काम निकाल के हटा दो, बोलो ठीक है तुम चले जाओ। क्योंकि वो बंदा भी तो ऐसे ही जाएगा ना, यहां से इसी बीच में तो जाएगा, ठीक है? और जो बंदा पहले जा रहा है इस काम खत्म होने से पहले, उसको आप रोको और एक्स्ट्रा साइड से रोटी दो, मार्केट से उसको रोटी खिलाओ। और अब ये वाला जो काम होगा, ये दोनों मिलके ही तो करेंगे ये वाले काम। और मिलके करेंगे तो जैसे इसमें 42 रोटी थे और 16 रोटी आपने मार्केट से प्रोवाइड किया, तो कितने रोटी हो गया? 58 रोटी हो गए कि नहीं? और जब 58 रोटी हुआ एक दिन का, वो 9 रोटी खाते हैं दोनों मिलके, तो 58 रोटी 58/9 दिन में खाएंगे कि नहीं खाएंगे? यही तो आंसर है ना आपका। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ? 6 6 4/9 दिन। इसी बीच में 3 दिन ए भी काम किया होगा, वो अलग से नहीं किया होगा 3 दिन, इसी काम में 6 6 4/9 दिन में इसी काम में ए भी रहा होगा, लेकिन इसको तो निकाल दिया ना, ये यहां से यहां तक रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो यही तो टोटल दिन का काम होगा। समझ में आया? ठीक है, ये Part-1 का टॉपिक था, ठीक है? टाइम एंड वर्क में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट आपका खत्म हो गया, दूसरा पार्ट हम बहुत जल्द वीडियो लाएंगे, और आप देखो, आप कंसेप्ट क्लियर करो, सब चीज इसी पे बेस्ड होंगे। और अगला जो टॉपिक होगा, इसके पार्ट्स जो होंगे वो इसी पे होगा। आप अच्छे से देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, और प्रैक्टिस जितना हो सकता है वो करो, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।